समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले दिनों मैं ओमान में था, मस्कत वहाँ की राजधानी है, वहाँ भी समाधान कार्यक्रम रखा गया था। भ्राता जी के साथ मैं वहाँ पे गया था। ओमान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपने मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ खूब ज़ोरदार हमारी खातरी हुई, बहुत सारे व्यंजन हमें परोसे गए और उन्हें नाना करते हुए भी बहुत सारा व्यंजन हमने खा लिया, मना नहीं कर पाए। अब खा तो लिया, लेकिन रात में उसका असर देखने में आया। रात के 2 बजे अचानक मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ। मुझे ना तो लेटते बन रहा था और ना ही बैठते बन रहा था। रात के 2 बजे थे। अब मैं उस अनजान देश में किसे कहूँ, अब किसे तकलीफ दूँ, ऐसा भी लग रहा था। अब मुझे लगा कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अगले ही दिन समाधान का प्रोग्राम हम लोगों को वहाँ पे करना था। अब अचानक मुझे ख्याल आया कि भ्राता जी हमें अभ्यास बताते हैं हाथों को रब करने वाला, जो आप सब जानते हैं कि हाथों को रब करें और जहाँ पर तकलीफ हो वहाँ पर रखें। मैंने भी अपने हाथों को रब किया, 7 बार संकल्प किया, स्वमान याद किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैंने अपने पेट पे उसे रख दिया। पहली बार में थोड़ा रिलीफ मिला मुझे, तो एक आशा का दीप जला कि हाँ कुछ हो रहा है। दूसरी बार फिर से मैंने रब करके रखा, तीसरी बार रखा, और तीसरी बार रखते ही वो जो दर्द था पेट का पूरी तरह से दूर हो गया। एक प्रकार से चमत्कार था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और मैं लेट ही नहीं पा रहा था, बैठ ही नहीं पा रहा था। सच कहूँ तो पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यद्यपि भ्राता जी के साथ लगातार मेरी बात होती थी और लोग भी अपना अनुभव सुनाते थे कि हाथों को रब करके यदि हम कहीं पे रखते हैं इस स्वमान के साथ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये अनुभव जब मैंने खुद करके देखा तो सचमुच मुझे तो लगा कि ये चमत्कारिक बात है और हमें ये करना अवश्य चाहिए। क्योंकि कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए, दवाओं का इस्तेमाल भी हम ज़रूर करें, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हम कहाँ जाएँ, क्या करें, ये समझ में नहीं आता। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं रियली बहुत कारगर साबित होते हैं। ये मैंने करके देखा, आप भी अवश्य करके देखिएगा। और जब ये बात मेरे अनुभव में आई तो मुझे बड़ा आनंद आया। वैसे ही जब लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल बातें अनुभव दे जाती हैं और जब वो आकर के हमारे बीच शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, उमंग आता है कि हाँ हम भी ये करके देखें। इसीलिए लगातार समाधान कार्यक्रम में हम अनुभव ले रहे हैं अपने विभिन्न भाई बहनों का, जो कि भारत के अलग अलग स्थानों से हमारे बीच आते हैं। आज हमारे साथ हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पधारे हुए श्री संतोष अग्रवाल जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुधा अग्रवाल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
संतोष जी, जैसे आपने लिखा था कि आप बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस किस चीज का है आपका? अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पैकिंग मटेरियल्स का, और बहुत स्पेसिफिकली बोलने जाए तो अपने ये पैकिंग मटेरियल्स में बॉटल के कैप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी, जी. मेटल कैप्स। इस चीज का बिजनेस आपका है विशेष करके। आप लोग जब वहां से आ रहे थे तो मन में किस प्रकार का भाव था कि हम विशेष करके समाधान के मंच में जा रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो क्या मन में कुछ विशेष उत्साह था कि बहुत, हाँ, हम भी? बहुत बहुत उत्साह था जो आज अपने जो भी अपने अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे जी, तो इससे और भी सबको इसका लाभ मिले। हर एक जो भाई बहने हमारे अनुभव कर रहे हैं उसे हम सब तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी प्रेरित हों कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे समाधान देखना सुधा जी, कब से शुरू किया है आप लोगों ने? करीब करीब साल भर हो गया है समाधान प्रोग्राम देखते हुए। इससे हमें काफी कुछ टिप्स मिलती गई और जिससे हम जीवन में अप्लाई करते गए। रोजमर्रा के जीवन में भी ऑब्स्टिकल्स आती थी जीवन में या बिजनेस में जी, बहुत कुछ सुधार आया और आज बहुत कुछ उससे प्राप्त किया हमें। बिल्कुल बिल्कुल, और आज आप दोनों हमारे बीच हैं, मंच में हैं, और आज हमारे लाखों दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं और इच्छुक हैं कि किस प्रकार का अनुभव लेकर के आप लोग हमारे बीच आए हैं। तो मेल आपने किया था संतोष जी, सुधा जी, वो मेरे पास है। उसमें आपने बहुत सारी बातें, जैसे भी सुधा जी कह रही थी कि बिजनेस में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। वैसे तो बिजनेस फील्ड ही ऐसा है कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, लेकिन आपने लिखा था हमारे केस में बहुत ही ज्यादा तकलीफें आई, बहुत सारी समस्याएं थी बिजनेस में, और समस्या की जैसे लड़ी लगी हुई थी। माल बने तो बिके नहीं, बिके तो पेमेंट्स नहीं आए, दोनों चीज हो तो माल प्रोडक्शन नहीं हो, तो एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड था, कभी कुछ सुधरे तो कुछ बिगड़ जाए। तो इन प्रॉब्लम्स में फिर कैसी मनोस्थिति थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब आती हैं बिजनेस में तो काफ़ी मानसिक उतार चढ़ाव रहता है, कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि यार हमने ठीक जगह इन्वेस्ट किया या नहीं किया, फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं ये प्रॉब्लम चल, कैसी मानसिक स्थिति थी आपके? काफ़ी तनावपूर्ण थी, और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब भी कोई लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें खुद का जो भी पूंजी धन होता है प्लस अपने जो लोन बैंक का लोन वगैरह लेके करते हैं, तो सारे पैसे उसमें लग जाते हैं जी। और चाह के भी फिर अपने उसमें कोई शिफ्ट नहीं कर सकते, बैक नहीं आ सकते हैं, मतलब आपको आगे ही बढ़ना है, आप पीछे हटने के का विचार नहीं कर सकते, स्कोप ही नहीं रहता। और फिर जब इस तरह की स्थिति होती है तो घर का माहौल भी काफी कुछ इस पे इम्पैक्ट हो जाता है कि तनावपूर्ण रहता है, या कुछ मन में एक उमंग उत्साह सा खत्म हो जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा जी जी, तो इससे माहौल तो बहुत ही खराब रहता था। उनकी मानसिक स्थिति भी पढ़ी जा सकती थी कि बहुत ही, मतलब बहुत ही खराब रहती थी, प्लस मन में भी उनमें ना तो उमंग उत्साह था रहता था, तो वो भी प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता था, साथ में मेरे में भी पड़ता था कि क्या करूं, कैसे करूं, अब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये काफी कुछ समस्याएं सामने थी। तो मैं जानना चाहूंगा संतोष जी, फिर ऐसी स्थिति जब थी जबकि आपको लगता था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य में थोड़ा सा एक अंधकार जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, कैसे आप इससे बाहर आए? ब्रह्म कुमारी इसके अपने राजयोग सेंटर में जाते हैं जी, और वहाँ की बहन जी ने एक टिप्स मुझे दी थी, बोले कि आपके कार्यस्थल पर अपने परमात्मा का झंडा लगाइए आप, और उससे आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा जी, उसे एक पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो करेगी। तो मैंने परमात्मा का झंडा अपने वर्किंग प्रेमिसेस में चारों तरफ लगाएं, चार या पांच झंडे लगाएं, ध्वजा लगाएं जी जी, और उससे काफी अच्छा बदलाव और इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे को। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति आ रही थी या वर्कर्स के साथ जो एक स्थिति अनबन वाली बनी रहती थी, वो सारी चीजें क्या ये परमात्मा का ध्वज लगाने से ही ठीक हो गया? परमात्मा का ध्वज लगाने से इम्प्रूवमेंट आया, काफी इम्प्रूवमेंट आया जी जी, और जैसे अपने जो काम करते रहे उनमें जो एक हमेशा एक दूसरे तरह का माहौल बना रहता था, कभी काम नहीं करते थे, कभी पैसे घर भिजवाने के लिए बोलते थे जी, और अपने इसमें सारे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो अपने लोकल क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, जो बाहर से ही बुलवाते हैं अपने जी, और उनको अगर अपने पैसे देते हैं तो वो घर चले जाए तो प्रॉब्लम, नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम, तो उनको देना पड़ता था, और दे दें
तो वो पैसे को वेस्ट करके आपस में झगड़ा करते थे। सबके प्रति एक शुभ भावना का वाइब्रेशन उनके प्रति देता रहा मैं जी। रोज सुबह मॉर्निंग के टाइम में, जिसको अपने अमृत वेले बोलते हैं या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस टाइम में पूरे अपने जो वर्किंग प्रेमिसेस है उसको सोच के एक पॉजिटिव थॉट्स और अच्छे वाइब्रेशंस देते थे। जैसे पहले वो लड़ते झगड़ते थे या फिर आपकी बात नहीं सुनते थे, फिर कैसा माहौल बदला, क्या वो बात मानने लगे, वक्त कितना लगा? इसमें शुरुआत में करीबन 20-25 रोज महीने पर बाद ग्रेजुअली देखा गया जो काम करते हैं उनमें एक डिवोशन आया काम के प्रति। कोई एब्सेंट नहीं करते थे, घर जाने नहीं चाहते थे, आपस में उनका जो काम करते थे आपस में जो लड़ते झगड़ते थे वो चीज नहीं रही। ये तो एक बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव। जो चीज आपके लिए समस्या थी कि लड़ते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। और डिवोशन आ जाना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक डिवोशन नहीं होगा तब तक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बोले हैं आप, बिल्कुल सही बोले हैं। उनकी डिवोशन आई, माल बनने लग गया। इस बीच में मैं ये बात बोलना चाहूंगा जो मैंने बोला ना, जो समस्याएं एक के बाद एक लगी रहती थी, माल प्रोडक्शन चालू हो गया तो माल बिके नहीं, और माल बिके तो उसका पेमेंट नहीं आए, पेमेंट नहीं आए तो रॉ मटेरियल के पैसे नहीं पेमेंट कर पाता हूँ, और पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, रॉ मटेरियल नहीं आता है तो फैक्ट्री, अभी डिवोशन आ गया वर्कर्स का तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स नहीं है तो फैक्ट्री बंद हो जाए। जी जी जी। इसका भी अपने परमात्मा का जो अपने को नॉलेज मिली जी, अपने ब्रह्म कुमारी के सेंटर के थ्रू बहन जी ने बताई, वहाँ पे वरिष्ठ भाई रहते हैं वो भी बताएं, तो उसका भी मैंने यूज किया, प्रयोग किया, उससे बहुत बेनिफिट मिले मेरे को जी। और जैसे मैंने कहा उसमें समय लगा मेरे को, बट अल्टीमेटली वो ओवरकम करें और बहुत अच्छा माहौल बन के और अच्छे तरीके से काम चल रहा है। मतलब सब कुछ अब स्मूथ हो गया, वेरी स्मूथ। पहले जो बहुत ज्यादा आपके लिए टफ था और लगता था कि पता नहीं अब इसमें हम कैसे करेंगे, पीछे हटने वाली बात तो थी नहीं, आगे बढ़ना था, लेकिन क्या यही समस्याएं रहेंगे, ये सोच के कभी कभी टेंशन हो जाया करता होगा आपको, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। तो संतोष जी, एक विशेष चीज, इन समस्याओं ने ही आपको ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर आने के लिए प्रेरित किया, या फिर आप पहले आ गए थे बाद में इन चीजों का आपने यूज करना शुरू किया? मैं अपने ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने के पहले अपने चालू हो गई थी जी जी। इसके बाद मैं अपने इस संस्था में जाना चालू किया, और काफी दिन अपने राजयोगा के बारे में जब मेरे को टिप्स मिली, जब मैंने इसके बारे में जाना, उसके बाद फिर मैंने इसका यूज किया। अब क्या आपको लगता है कि हाँ अब मैं जाता हूँ तो बिल्कुल तनाव मुक्त होके जाता हूँ और सब काम बहुत आसानी से? बिल्कुल, अभी मैंने बिल्कुल ये सही बोले हैं, कोई तनाव नहीं है जी, कोई प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, कोई माल बिक्री की प्रॉब्लम नहीं है जी, ना पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, सारा काम अपने आप होता है। मतलब अभी ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, राजयोग करने लगे एकदम बिल्कुल। ऐसे ही आप बिल्कुल ही तनाव मुक्त रहें और सारा कार्य ऑटोमेटिक होता रहे। जब ये समस्याएं लेके आते थे, सुधा जी आपके पास आना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी जरूर शेयर, आप इनकी अर्धांगिनी हैं, धर्म पत्नी हैं, तो किनसे शेयर करेंगे, आपसे ही शेयर करेंगे, तो क्या आप भी कुछ विशेष योग का प्रयोग करती थी कि यहाँ की जो समस्याएं हैं दूर हो जाएं, क्योंकि आप भी शायद साथ साथ विद्यालय से जुड़ चुकी हैं? जी जी जी। इसमें सबसे पहले तो जो परिवर्तन आया कि दृष्टिकोण बदल लिया, क्योंकि यही शिक्षा राजयोग मेडिटेशन में दी जाती है कि हमारा दृष्टिकोण बदल ले। हमारा यदि किसी के प्रति नेगेटिव विचार है तो उसको हम बदल के पॉजिटिव में आ जाए, यदि कोई दूसरा बुरा भी सोचता है तो भी हम उसको यदि हम अच्छा ही सोचें, अच्छी ही उसके प्रति हम शुभ भावना रखें, तो जरूर ही वो एक ना एक दिन बदल जाएगा। यही हमने प्रैक्टिस की जी। ये जो समस्या आ रही थी जब से हम जुड़े और ये ज्ञान जब मिला, पता चला कि ये जो शुभ भावना इतना अच्छा काम करती है जो कि दूसरे को परिवर्तन कर सकती है, और उस परिवर्तन का फिर हमें एकदम प्रैक्टिकल में दिखाई दिया जी, जी। जो फैक्ट्री भी अच्छे से चलने लगी और जो परिवार में एक तनाव आ गया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और आपको मैं बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ी बात जो है जी। आसपास में जो भी हमारे पड़ोसी रहते हैं आज भी वो हमारे घर में कभी आते हैं, ऐसे सबको सब समय समय नहीं मिलता लेकिन कभी भी आते हैं, वो एक शब्द जरूर बोलते हैं कि सुधा तुम्हारे घर में आने से शांति का अनुभव होता है।
तो वो आपके जीवन में वो शांति आ गई है, तो वो सबको वो भी अनुभव होता है कि सचमुच शांतिमय एक वातावरण बन गया है। शांति के साथ साथ समृद्धि जो कि एक जीवन में बहुत जरूरी है सबके लाइफ में जीवन का, वो समृद्धिपन भी धीरे धीरे आता। आपने एक बात और बिजनेस से जुड़ी हुई कही थी कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी तो लगा दी, बैंक से भी कुछ लिया था वो भी आपने लगा दिया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने आपको आर्थिक मदद के लिए कहा था कि हम भी आर्थिक मदद करेंगे जिससे कि आप अपनी इस फैक्ट्री को अच्छे से रन कर सकें, लेकिन वो आर्थिक मदद उन्होंने दी नहीं या रुक गई थी, तब भी एक तनाव की स्थिति थी, तब भी आपने लिखा था अपने मेल में कि आपने राजयोग का अच्छा अभ्यास किया, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जहाँ से मिलना होता है और जिसके द्वारा हम अपनी फैक्ट्री को अपने कार्य को आगे बढ़ाने वाले होते हैं वो किसी कारण से रुक जाता है तो हमारा पूरा जीवन ही ठप हो जाता है, यहाँ आपने विशेष क्या किया, क्योंकि ये भी एक तनाव वाली बात थी। जो आर्थिक मदद जो मिलने की बात थी इसमें काफ़ी समय लगा, पहले तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगा तो अपने सोचे जो अपने को आ जाएगा जी, करीबन 1.5 साल 2 साल हो गए जब नहीं आया, तो उसमें भी अपने ये पॉजिटिव थॉट्स सोचे और यही दिमाग में रखे, एक पॉजिटिव थॉट जो अपने ये पैसे मेरे को मिल रहे हैं, एक सकारात्मक सोच जी, ये जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, ये भी राजयोग मेडिटेशन में ही सिखाया जाता है, जो आप पॉजिटिव थॉट्स रखो आप तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे, मतलब जैसा सोचेंगे वैसा होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। जी। मैंने वही पॉजिटिव थॉट्स रखे जी, और इसमें भी काफी समय लगा लेकिन वो पैसे आए मेरे पास, वो मदद मिली मेरे को। जी जी जी, एक ऐसी स्थिति होती है इसमें जैसे एक सारी जमा पूंजी हमने लगा दी, अब किया क्या जाए, और यदि वो मदद नहीं आती है तब भी एक तनाव की बहुत भारी स्थिति हो जाती है, और ऐसे में योग की मदद से आपने इस विघ्न को भी, इस स्थिति को भी पार किया, ये भी सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने एक रिलेशनशिप की भी बात कही थी कि साझेदार के साथ भी कुछ ठीक से बनता नहीं था आपका, कि भाई पता नहीं, फिर कारोबार बढ़ाना भी है, साथ चलना भी है, आपके पार्टनर भी हैं, और जब पार्टनर के साथ यदि नहीं बन रहा हो तब भी तनाव की स्थिति तो बन ही जाती है, वहाँ क्या किया? तब मेरे साथ पार्टनर थे और उनके साझेदारी में ही काम करता था मैं, तो उनके साथ काम जैसे करते थे, और आप जैसे जानते हैं इस दुनिया में जब पैसे की लेन देन की बात आती है तो वेरी नेचुरल मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी पैसे की लेन देन लेके, और ऐसी एक स्थिति आ गई जब बिल्कुल अपने बोलचाल बंद हो गए, पैसे जो थे वो एज इट इज रह गए, कुछ भी नहीं हुआ उसका जी। तो और करीबन 5 से 6 साल उनके साथ बोलचाल नहीं रही, और उसके बाद जब अपने ये राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी के साथ अपने जुड़े तो उसमें बताया गया जो अपने किसी के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जी, अनबन हो तो उस स्थिति में अपने जिसके साथ अनबन होती है उनको अपने फॉरगिव करें, क्षमा करें, उनको भी फॉरगिव करना है और उनसे क्षमादान मांगना भी है जी 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 जी। तो ये भी बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा एंड वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, और इसका अपने प्रयोग किया, अपने जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप थी जी जी उनको अपने अपने क्षमा किया और क्षमा मांग भी लिया जी, जी। जो मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज फॉरगिव मी, और मैंने ये भी बोला अपने जो भाई आपसे कोई गलती हुई है तो मैं आपको फॉरगिव कर रहा हूँ। तो ये आपने बोल के किया या फिर मेडिटेशन में ही किया सूक्ष्म रूप से कि हाँ भाई मैं क्षमा मांगता हूँ? अपने मन में थॉट्स क्रिएट करना और उनको विजन क्रिएट करना जी। सोचना जो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ और मेरे को क्षमा करें आप जी। तो मैं उनको क्षमा कर रहा हूँ और वो मेरे को क्षमा कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी समय लगा मेरे को, लेकिन इसमें भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स रहे हैं। 4 महीने के बाद वन फाइन इवनिंग मैं देखता हूँ जो वो घर में आ रहे हैं साथ में ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स लेके। क्या बात है, ये तो अपने आप आपको ड्राई फ्रूट भी आ गए, ड्राई फ्रूट भी आ गए और वो भी आ गए और रिलेशन भी बहुत अच्छे और मधुर बन गए। क्या बात, तो क्या कहा कि उन्होंने कि भाई मुझे माफ करो या क्या कहा कि बात है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जी, वो टेबल पे रखे मोले की ये तो बहुत बढ़िया बात है, मोले की भाई ड्राई फ्रूट्स क्या क्या लेके आयो बताओ जी। तो बोले की इसमें नट्स है,
एप्रिकॉट्स है, खाइए मुल्ले की भाई, तो अच्छी बात है मुल्ले की भाई, हर संडे को आना तो हर संडे को मेरे को मिलेगा। तो स्थिति फिर सामान्य हो गई। सामान्य हो गई बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो आपने क्षमा देने और क्षमा लेने वाली जो एक राजयोग की विधि है, प्रक्रिया है, वो आपने किया, तो उससे जो ये 4-5 मास की जो आप लोगों की अनबन थी, जो बातें नहीं हो रही थी, वो सामान्य हो गई। ये 4-5 मास की अनबन की बात नहीं थी, ये अनबन की बात थी फॉर नियरली 6 ईयर्स। ओहो, फॉर नियरली 6 ईयर्स। मैंने ये जो क्षमा देना और लेने की जो बात कर रहा हूँ ना, ये बात कर रहा हूँ, ये करीबन मेरे को 4-5 महीने इसको यूज करना पड़ा, तब उसके बाद लेकिन ये कारगर साबित हुआ और बातें सामान्य हो गई, स्थिति और रिलेशन सामान्य हो गए। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, क्योंकि जिनके साथ हमें काम करना है, यदि उनका ही मुंह हम ना देखें, उनसे ही बातें ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो फिर कारोबार स्मूथ नहीं रहता, एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। लगता है कि स्थिति ठीक हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सभी दर्शक भी इसका इस्तेमाल करें और अपने रिलेशनशिप को सामान्य करें। सुधा जी, आपने भी कहा था कि कई बार आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत दुखी हो जाया करते थी, या परेशान हो जाया करती थी, या धीरज खो देती थी, या गुस्सा आ जाता था, तो इसका भी सीधा प्रभाव हमारे संबंधों पे पड़ता है। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए ही मैंने राजयोग का निरंतर अभ्यास, जिसको कहते हैं, जी जी। फिर एक समय ऐसा होता है कि हमें वो शक्तियां सामने दिखने लगती, जीवन में दिखने लगती, प्रैक्टिकल में वो दिखने लगती है। कभी कभी जैसे गुस्सा कर देते थे, आता था, तो फिर जब गुस्सा होने के बाद ऐसा लगता था गुस्सा नहीं करना था, क्योंकि संबंध और ज्यादा खराब हो गए, या कोई मुंह से गलत शब्द बोल दिया जाता तो फिर पीछे पछतावा होता था। और धीरे धीरे मैंने देखा कि इतना जल्दी उसको वो हुआ कि स्थिरता आती गई जीवन में। मतलब ये चेंज आता गया जब आप राजयोग करती गई, तो गुस्सा भी चला गया, या जो आप अपना धीरज खो देती थी वो धीरज भी बनने लगा। गुस्सा इतना बड़ा रूप भी लिया जी, कि मुझे माइग्रेन होने लग गया। खैर, उस पे तो हम आएंगे ही कि इन तकलीफों को आपने कैसे जीता, लेकिन भाई साहब से जानना चाहेंगे कि इनका गुस्सा कैसा था, या घर की स्थिति कैसी हो जाया करती थी जब बहन जी गुस्से में आती थी। तो मतलब ये बोलूंगा ना, जब गुस्सा आता था तो मेरे को खाना नहीं मिलता था। पहली चीज जी जी। तो ये तो ठीक है, बहुत लाइटली बता दिया, लेकिन ये जाहिर सी बात है, जब अपने कोई भी घर में कोई तनाव होता है जी जी, तो ऑब्वियसली अपने पूरे घर का माहौल तनाव से भरा हो जाता है, घर में एक अलग तरीके का साइलेंस, बच्चे को फिर इस पे प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो भी चीजें होती हैं, यदि गुस्से वाली बात आ गई या किसी अन्य प्रकार की चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं, उनका सीधा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल, एक सिंगल लाइन में बताते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। खुशी गायब हो जाती है, आपने ये बात सही कही, क्योंकि जब तक ये चीजें रहेंगी तो खुशी नहीं रहेगी, या तो नेगेटिव चीजें रहेंगी घर में, या फिर पॉजिटिव चीजें ही रहेंगी। तो विशेष करके जब ऐसी स्थिति बनती थी, तो क्या आप भी कुछ अभ्यास किया करते थे कि इनकी स्थिति सामान्य हो जाए? हमेशा यही अपने जब मेडिटेशन में बैठते थे सुबह और शाम को, तो यही चीज हमेशा अपने दिमाग में रखते थे, जो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो नेचुरल अपनी प्रॉपर्टी है जी, जो मेरे को शांत रहना है, खुश रहना है। तो हर चीज की एक वो चीज रहती है जो अपने नॉर्मल प्रॉपर्टी में आना, जैसे पानी को अपने हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है जी, 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 जो जो क्रोध जो है वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है आत्मा की, वो अपने क्रिएटेड प्रॉपर्टी है जी। और हमेशा यही सोचे, जो घर की वातावरण बहुत शुद्ध है, बहुत शांत है, खुशहाल है जी, तो इससे इसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, मतलब घर का माहौल चेंज हो जाता है एकदम। आप दोनों ने एक बात विशेष करके लिखी थी कि घर की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, बिल्कुल संपन्न थे, धन धान्य से सब प्रकार की सुविधाएं थी, एक स्थिति ऐसी आ गई कि घर में विपन्नता की स्थिति थी, कि जो चीजें चाहिए वो चीजें नहीं थी। तो क्या विचार संतोष जी आपके पास भी थे कि हमने एकदम रईसी देखी, एक अमीरी देखी और एक गरीबी की स्थिति आ गई, तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या आप लोगों ने किया, क्या विचार रखे कि हम इससे बाहर निकलेंगे, या क्या किस प्रकार की वो चीज थी? इस राजयोग टीचिंग में ये चीज भी सिखाया जाता है, जो भी चीज हो रहा है उस पे अपने कर्म का हिसाब किताब है जी।
तो जब ये ज्ञान, ये जब अपने को नहीं पता था, जब अपने ये ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़े थे, इस चीज़ को अपने को पता भी नहीं था, तो स्थिति काफ़ी ऊपर नीचे होती थी। लेकिन जब अपने बहन जी ने बताएं और वरिष्ठ भाई ने भी बताया, बोले कि इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, स्थिति ऊपर नीचे आती है जी। और सबके साथ आई है, तो ये स्थिति है तो अच्छी भी आएगी, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए और ऑलवेज इसमें भी वही गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स, परमात्मा से सारा चीज शेयर करना, भगवान से सारे चीज, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करना उनके साथ। जो भी कार्य होता था, आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, अपने जैसे घर पे भी जैसे बड़े भाई रहते हैं या कोई मुरब्बी रहते हैं, उनको जैसे अपने कोई भी कार्य करते हैं, कोई आराम होता है, कोई तकलीफ होता है, सब शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा से शेयर किया, शेयर करने लगे जो आज ये बात है, आज ये कार्य नहीं हो रहा है, आज ये कार्य हुआ, अच्छा बुरा सब शेयर करे। जी 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 जी, तो उससे स्थिति सामान्य होती है। लेकिन विशेष करके आज वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा है संतोष जी, हम लोग कल जरूर इस चीज को जानना चाहेंगे कि इस विकट स्थिति से कैसे आप फिर से संपन्नता की ओर बढ़े और कैसे घर में फिर से धन धान्य की बरसात होने लगी, इस राज को जरूर हम आपसे और सुधा जी से जानना चाहेंगे। आप दोनों रियली बहुत अच्छे अनुभव हमारे दर्शकों के सम्मुख रख रहे हैं, कल भी हम आपके साथ बने रहेंगे। आज मैं दर्शकों की ओर से आप दोनों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मित्रों, अनुभवों का ये जो रस है सचमुच हमें कितना बल देता है, सुकून देता है और विश्वास जागृत करता है। और बहुत ही सुंदर बात पे हम रुके हैं, बहुत सारे लोगों के मेल्स या फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं कि घर में अभी विपन्नता आ गई है, दरिद्रता आ गई है, या गरीबी है, या बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसके कारण हम उभर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें धन की भी आवश्यकता है। क्या योग के अच्छे माध्यम से या फिर राजयोगा की जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसके द्वारा क्या हम अपने आप को संपन्नता की ओर भी ले चल सकते हैं? एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आपके पास छोड़ा चला जा रहा हूँ। कल पुनः हम मिलेंगे और इस चीज़ को, इस राज को समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को धन धान्य से संपन्न कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।